खबर दौरंदा प्रखंड के बगौड़ा वार्ड नंबर 8 की है, जहां बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे नल जल योजना हुआ फ्लॉप। वार्ड नंबर 8 के ग्रामीणों को 2 वर्षों से नहीं मिल रहा है नल जल का स्वच्छ पानी पीने के लिए। वहीं सूबे की सरकार नल जल को ड्रीम प्रोजेक्ट योजना बनाकर अपनी वाहवाही लूटने में लगी है। जिस योजना का लाभ वार्ड नंबर के 8 के ग्रामीणों को 2 वर्षों से नहीं मिल रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने स्थानीय वार्ड पंचायत मुखिया को दर्जन बार सूचित कर किया है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पत्रकार से की, जिस पर स्थानीय वार्ड सदस्य और मुखिया के समर्थकों द्वारा बदसुलूकी की गई। वहीं साथ ही साथ बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि अगर वार्ड 8 में वरीय अधिकारियों द्वारा जांच किया जाए तो यहां नल जल कार्यों में लाखों की घोटाले किए गए हैं और नल जल का सामान भी घटिया लगाया गया है। जिसके लेकर हम लोगों ने सच्चाई समाज में प्रस्तुत की अपने चैनल के माध्यम से। उसके बाद मुझे और मेरे पत्रकार के लिए सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें डालनी शुरू कर दी गई, जिसको लेकर मैंने अपने स्वच्छ छवि को दिखाते हुए अपने गांव के जितने भी सम्मानित लोग हैं उन सभी से, जो भी बड़े हैं उन सभी से मैंने अपना कागज साइन करवा रहा था कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं बाजार से रंगदारी वगैरह नहीं वसूल। तो इस बात को लेकर मेरे ऊपर गलत अफवाहें जो उड़ाई जा रही है, अगर वो हकीकत है तो मेरा आप लोग समर्थन मत कीजिए। तो गांव के लोग मेरा समर्थन कर रहे थे तब तक वीरेंद्र शर्मा जो कि सांसद प्रतिनिधि हैं, उनके भाई सत्येंद्र शर्मा जो कि चुनचुन शर्मा के मेरे गाँव के मुखिया हैं, उनके पति हैं, और उनके भाई प्रेम शर्मा और उनके अड़ोसी पड़ोसी के साथ 10 अन्य लोग के साथ वार्ड कमिश्नर बीरू पटेल और वीरेंद्र शर्मा और बीरू पटेल बाइक से आकर हम लोग को रोके कि पहले रोकिए क्या बात है, बिना कुछ पूछा हम लोग को रोके, गाड़ी का चाबी छीन लिए। उसके बाद मेरा गाड़ी का चाबी नहीं छीना गया था, मैं थोड़ा सा पीछे था, तब तक मैंने देखा कि मेरे जो 2 लोग थे उनको पकड़ कर उनके गाड़ी की चाबी छीन ली गई और उन दोनों के पर हमला कर दिया गया। तब तक मैं वहाँ पहुँचा कि किस बात को लेकर रोका गया है और क्यों हमला किया जा रहा है, तो मेरे ऊपर भी मारपीट करना शुरू कर दिया गया। बोला गया कि साला तुम लोग बड़ा पत्रकार बनता है, तुम लोग को गोली मार देंगे, मशीन गन निकाल कर भूज बुजरी जैसा भुजवा देंगे, देखते हैं कि कौन थाना केस लिखता है, क्या करता है, ठीक है। और उसके बाद मेरे जो दोनों साथी थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनको कमरे में बंद करके उनका हस्ताक्षर उलो लिए, मेरा भी हस्ताक्षर लिए और जो मेरा कैमरामैन था उसका भी हस्ताक्षर उलो लिए हैं सादा पाना पर। तो हमें इससे भय है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए ताकि हमारे जान माल की हानि हो सके और मेरे परिवार की भी रक्षा हो सके। आज अभी प्रशासन के गाड़ी पहुंचने के 1 घंटा पहले, आधा घंटा, मेरे दरवाजे पर 2 से 3 आदमी हथियार लेकर आए गए और हमको धमकाए तक कि अगर केस करने जाओगे तो तुम्हें मार देंगे, हमें कोई प्रशासन से भय नहीं है, हम लोग कुछ भी करेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। और जिसको लेकर हम लोग को काफ़ी माने भय सता रहा है और ये लोग हमें आए दिन प्रतिदिन माने धमकी देते रहते हैं और वो अपने पड़ोसियों के माध्यम से मेरे मोबाइल पर फ़ोन करवा कर धमकियाँ भी दिलवाते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा होगा, घर बगौरा वार्ड नंबर 4। पानी मतलब टिकट बाद ये मतलब भाई जाते से पानी में कौन तेरी मांग के पानी पिए जाइए और कौन तेरी मुंह से कुतवा पर जाए जाइए कहो तो लोग आप घर पर ना के पियो कहीं नहीं तो भाई आप घर ऐसी है तो उनसे निकल जाए से घर से पानी पी लिया पिए ठीक नहीं ये दिक्कत बा नल के हम लोग चालू करवाई कर। अच्छा हम बोले कितना दिन हो गए लेकर के अथी करैले? 2 साल। 2 साल हो गए। हाँ। सर वो सरकार से क्या मांग करे चाहत है चाहे अपना स्थानीय जनप्रतिनिधि काम में जरूरी पानी के और राशन के। अच्छा तब परिचय? मुन्ना साहब, वार्ड नंबर 8, घर बगावरा। हमने के 2 साल हो गए नल जल के हमने के पानी के गोजन बा आ टोला माला सगर बताइल सब साबुन सरफ तेल ओल चाउर दाल हमने के आटा वटा कहीं कुछ कहीं नहीं मिला। हाँ हमने के कहीं कुछ नहीं मिला, कौन सुनवाई नहीं के केहू से कहला पर केहू अस्थिर हो जाता केहू उठत नहीं है ये तो बात है। हाँ पैसा सैनिटाइज वगैरह का छिड़काव भइल बा? छिड़काव तो हमारा कुछ मालूम नहीं है, कहीं कुछ भइल नहीं है। अच्छा नल जल लगला कई दिन हो गए? 2 साल हो गए। परिचय? परिचय शंकर साहब, घर
घर बगावरा वार्ड नंबर आठ।